अब पिछले ट्यूटोरियल में हम देखा कि रीडिंग सेटिंग्स क्या होती हैं। अब इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि डिस्कशन सेटिंग, जो कि कमेंट सेटिंग्स भी हम जिसको कह सकते हैं, वो कैसे हम सेट करते हैं। तो ये हमारे पास एक डिफॉल्ट पोस्ट सेटिंग है कि जो हम एक पोस्ट करते हैं तो उसकी डिफॉल्ट पोस्ट सेटिंग क्या हो जेनेरिकली, ठीक है। तो ये हम पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि जो हम पोस्ट करें उस पे पीपल कमेंट कर सके तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं पिंग हो वो किसी दूसरे ब्लॉग से, जो कि ब्लॉग आप जो भी ब्लॉग पिंग यूआरएल है वो आपको पता है कि आप रीडिंग से चेंज कर सकते हैं पिंग यूआरएल, जो आपको मैंने अभी एक दिखाया था, ठीक है। या न्यू ऐड करने हो तो कोमा के जरिए आप जितने मर्जी न्यू यूआरएल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाह रहे हैं कि 14 या 15 दिन के बाद वो कमेंट ऑफ हो जाए, उस पोस्ट पर दोबारा शो ना हो, तो आप उसकी सेटिंग यहाँ भी कर सकते हैं इसको टिक करके, ठीक है। उसके नेस्टेड कितने हो, आप उसको कितने लेवल तक, या उसकी पेजिनेशन अगर करना चाहें वो किस तरह करनी है। अगर आप कोई कमेंट करते हैं उसको आपको ईमेल आए, वो आपको ईमेल आए या ना आए, आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगर कोई कमेंट करता है और उसको आप अभी शो नहीं करवाना चाह रहे और आप उसको खुद रिव्यू दे के खुद अप्रूव करें तो आप इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब तक अप्रूव नहीं करेंगे उसका कमेंट तो वो आपके पोस्ट पे शो नहीं होगा। तो आप इस तरह इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि कमेंट मॉडरेशन। तो कोई एक ऐसा ऑथर जो कि एक कमेंट को 2 बार मॉडिफाई कर दे तो उसके बाद उसको क्यू में डाल दो, तो जब तक वो एडमिन उसको रिव्यू नहीं करेगा तो वो उसको वो वहां पे शो नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका मॉडरेशन का पर्पस था। तो ये एक ब्लॉक लिस्ट है। अगर कोई भी आप यूआरएल या कोई ऐसा वर्ड यहाँ पे आप सेपरेट बाय कोमा, आप मतलब ये कॉमा, ये सेकंड वर्ड कॉमा, ये सेकंड थर्ड वर्ड कॉमा, और उसके बाद कोई डोमेन, ठीक है, इस तरह और डॉट कॉम और फिर इस तरह कॉमा, ये एक पेज का यूआरएल आ गया, फिर कॉमा, मतलब इस तरह आप डिफरेंट यूआरएल, ईमेल और आईपी एड्रेसेस को आप ब्लॉक लिस्ट में डाल सकते हैं कि वो कमेंट ना कर सकें, क्योंकि ये स्पाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास कोई ऐसी लिस्ट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इट्स ओके। तो अगर आपके पास कोई कमेंट करता है कोई और वहाँ पे वो रजिस्टर होता है, तो उसकी इमेज शो करवानी है नहीं, अगर करवानी है तो किस पर्पस के थ्रू करवानी है, ये इमेज करवानी है, ब्लैंक इमेज शो करवानी है, या डिफॉल्ट इमेज क्या रखना है, ठीक है। तो अगर डिफॉल्ट इमेज आप अपनी भी कोई अपलोड करना चाहे तो प्लगइन है इमेज की, तो आप वो इंस्टॉल करके अपलोड कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिस्कशन सेटिंग थी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि मीडिया सेटिंग हम कैसे चेंज कर सकते हैं और उसका क्या पर्पज है, कौन सी सेटिंग किस चीज़ के लिए यूज होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर अपकमिंग न्यू वीडियोज। यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी ऑन दीज सोशल लिंक्स इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम।